चैनल में आपका स्वागत है। जैसा पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा, कल का मेरा वनडे बिफोर काफी देर से, एक्चुअली टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस कारण से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि मैं इसको लाइव करूं, और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं था, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया कि लाइव करूं वो भी अच्छा ही रहा, क्योंकि जो कुछ मैंने कल के पेपर में बोला है, एक घंटे के अंदर पूरी किताब को कवर कर लेना पहले ही अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बावजूद भी जितने भी क्वेश्चंस कल साइंस के आए हैं, अगर आप देखेंगे तो हूबहू, तो क्या क्वेश्चन में एक चीज तो टेक्निकली लैंग्वेज चेंज करते ही है, उसको थोड़ा सा आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हो गई हैं, आपके समझ को चेक कर रहे होते हैं, ना कि वो रट्टाफिकेशन वाली कोई चीज नहीं है। तो जो टेक्निकली जो चीजें कही हैं, वो सेट वन हो, टू हो, थ्री हो, या आउटसाइड दिल्ली का पेपर हो, सब में मेरे ही क्वेश्चन लगभग एक घंटे के वीडियो में से है। और अगर आप मेरे चार पांच वीडियोज को जो मैंने लिंक दिया था, अगर उसको आप देख लें, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, यहां तक कि कुछ क्वेश्चन तो वो बहुत बिल्कुल आए हैं और शायद मेरे ही चैनल पे थे वो, और मैंने आया और भी कुछ चीजों को देखा लेकिन नहीं है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि इथेनॉल को लास्ट में मैंने कहा कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने चार क्वेश्चन पेज पे लिखे हुए थे, बाकी तो मैं बुक से बता रहा था, वो चार के चार क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हुए। जैसे इथेनॉल का था कि उसको अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा, तो वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल वो किसी भी, और वो ऐसे टफ क्वेश्चन था, 443 केल्विन पे अगर हम करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, एथीन बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू। यहां तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सारे के सारे सेम है। इस वीडियो में मैं आपको जो जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी बताता हुआ फटाफट कोशिश करूंगा, 5 मिनट में मैं इसका रिव्यू। पहले तो बता दूं कि ये पेपर बहुत ही आसान है, आसान सेट 1, 2, 3 तीनों ही लगभग एवरेज थे। आसान इस सेंस में हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन लगभग अच्छे हैं, लेकिन डिफिकल्ट उस सेंस में कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को हल्का फुल्का ट्विस्ट किया गया था। जो बच्चे 100 out of 100 मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत, कहते हैं ना क्वेश्चन में अगर एक दो क्वेश्चन भी अलग आ जाते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जैसे हम क्वेश्चन की बात करें तो सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 जैसा कहा था वही है, केस स्टडीज मैंने जो बताया था कि दो चैप्टर के होंगे वही दोनों चैप्टर का, यहां तक कि केस स्टडीज में मैंने मेंडल एक्सपेरिमेंट को बता दिया था, RRYY वाला जो क्वेश्चन है वो आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और दूसरी चीज जो कि मैंने बताया था कि जो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस या मिरर का एक ऐसा दिया जा सकता है केस स्टडी बनाकर, वो दोनों ही दोनों केस स्टडीज में भी वही है और लॉन्ग क्वेश्चन भी वही है। जैसे कि अब पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेट जिंक का है, तो इसका आंसर बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन, जो एक हमने मॉर्निंग में वीडियो किया था उसमें भी ये चीज बताया गया था कि बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को बराबर देख लीजिए, आंसर इसका बी होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मॉर्निंग के वीडियो में भी था और कल वन डे बिफोर में मैंने नहीं बोला था, लेकिन हाँ जो लाइट वाला है AgBr को जब हम करते हैं जो सिल्वर का है, तो उसका जो आंसर है इसका दूसरे का सी है, तो ये हमारे पहले वाले वीडियो में कल मॉर्निंग का केमिस्ट्री स्पेशल वाले वीडियो में था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने वन डे बिफोर में कल बताया था, एक्सेप्शंस में बताए थे मेटल नॉन मेटल में, कि मेटल का मरकरी है और एक्सेप्शन लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे ब्रोमीन मैंने बताया था नॉन मेटल, दोनों ही क्वेश्चन हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन मेटल पहले लिखा है तो हमें मरकरी आंसर देना था, यानी कि सी है। कार्बन कंपाउंड्स की भी कल मैंने बात की थी और बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और ये बैड कंडक्टर, एक हीरा एंड ग्रेफाइट की बात की थी मैंने कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, वैसे बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से आंसर ये भी बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है। इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड का थोड़ा स्ट्रांग होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, उसमें इन्होंने FeSO4 फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब सोडियम कार्बोनेट ये दिए हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें आपको पता है कि जो 10 होता है Na2CO3 में, तो डी आंसर हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कल मैंने बताया था कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी ऑक्साइड इसको हम कहते हैं, तो ये होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि 100% पेपर में आपको मिलेगा, यानी कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हूबहू टैली कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl मिलाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड H2O+Cl2 बना है, है ना, इसमें जैसे कि ऑक्सीजन जहां से हट गया वो रिड्यूस हो गया और HCl जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग, और ये सारा चीज मैंने कल बताया था। अब इसके बाद भी एक क्वेश्चन और भी है कि कंसीडर करना है कि द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। अब पता ही है XY और XX वाला जो है फादर का होता है
और दूसरी बात है इसका जो फोर्थ ऑप्शन है कि द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज। मैंने कल आपको एक चीज और बताऊं, एक ऑल इंडिया वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उनकी तरफ से मेरे पास आज कॉल भी आई थी कि पेपर के बाद कि जो जाइगोट फॉर्म कर जाता है तो हैप्लॉइड होते हैं जो कि 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि यहाँ पे दूसरा है और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा। क्रोमोसोम्स के बारे में अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स पे दो दो क्वेश्चंस हो गए। हालांकि देखा जाए थोड़ा ये इम्बैलेंस कहलाता है कि भाई एक टॉपिक को आप ज्यादा ले लेते हैं, जैसे एक सेट में इलेक्ट्रिसिटी की भरमार हो गई तो दूसरे में लाइट की हो गई, तो ये सब थोड़ा इम्बैलेंस होता है। लेकिन मिला जुला के तो बोर्ड का पेपर है, इसको हम ऐसे ही करके देखते ही हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक है, और कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, है ना। अब इसके बाद नर्व सेल की बात हो रही है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है ऐसा, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन का भी जैसे मैंने बताया ना कि कैरी इनहेरिटेंस भी ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी ठीक है, और इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है ना, तो इस तरीके से आंसर हो गया आपका। स्टोमेटा क्लोजेज, ये मैंने कल बहुत अच्छी तरह समझाया वन डे बिफोर में कि स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो दो काम हो रहा होता है, एक तो क्या है कि वो ऑलरेडी वाटर को ट्रांसपिरेशन का काम करता है, वाष्पोत सर्जन की क्रिया, और दूसरा वो क्या करता है कि O2 CO2 ले लेता है, है ना, तो O2 को रिलीज करता है, तो दोनों ही टाइम में ऐसा होता है। तो इस तरीके से यानी कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल और इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका, देखिए बिल्कुल मैंने बताया था कल, फिगर बना के बताया कि सेंटर पे सेंटर का इक्वल इन साइज होता है, तो फोकस का डबल क्या होता है, सेंटर होता है, तो इसका सेंटर क्या होगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द, ये यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 12 के 12 मेरे दूसरे सेट में भी वही है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन में रेटिना पे इमेज बनता है, और मैंने कुछ चीजों के लिए तो कहा था कि स्पेशली मैंने जो लिंक दिए थे उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पता है कि उस वीडियो में क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में ऑलरेडी एक जो ये दे रखा है कि आपको पता है कि जो नॉर्थ टू साउथ जाता है और अंदर इंटरनल का जो है वो अलग उसका पाथ होता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल आया हुआ, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन जो देखिए फूड चैन की बात है, फूड चैन में सेकेंड वाला नहीं दिया हुआ है, जैसे टाइगर है, ग्रास है, ग्रास को स्नेक खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को फ्रॉग खाएगा, है ना, और ग्रास को स्नेक नहीं खाएगा, है ना, तो उसको कीड़े खाएंगे, वो बीच का एक गैप है, मिसिंग है, टाइगर दे रखा है सीधा, फ्रॉग के बाद सीधा टाइगर भी दे रखा है, टाइगर फ्रॉग तो खाएगा नहीं, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्लाज्मोडियम का क्या है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, देखिए बाकी यीस्ट है, पारामिशियम ये सब दिए हुए, तो आंसर इसका हो जाएगा। अब एजर्सन और रीजन के आंसर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, जैसे हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व विद जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जैसे देखिए ZN में जिंक में हम नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलाएंगे तो H2 का नहीं है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म, देखिए हायर ट्रॉफिक लेवल पे, ये भी कल मैंने क्वेश्चन बताया था कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते ही केमिकल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, मैग्निफिकेशन जो मैंने बताया था, क्या नाम है उसको, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और उसके बाद दूसरा कहता है हार्मफुल केमिकल्स का स्प्रे करते हैं हम, लेकिन ये परफेक्ट रीजन पहले का नहीं है, यानी कि इसका आंसर इसलिए बी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, ये मैंने सेट वन लिया हुआ है, हालांकि माइनर माइनर डिफरेंसेस है क्वेश्चंस में। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, देखिए एक्वेटिक एनिमल्स में जो गिल्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं वाटर के साथ। तो क्वेश्चन बिल्कुल, रीजन तो सही है, लेकिन उसका जो है सेकेंड पार्ट जो कह रखा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई, ये वाला गलत है, है ना। अब देखिए जो 20 क्वेश्चन है, रेनबो कहता है नेचुरल स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही है, लेकिन सन ओवरहेड नहीं होता है, सन साइड में होते हैं, है ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट ऑफ द किसके होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके कारण, जिसके कारण जो है रेनबो फॉर्म करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये जो क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिलाते हैं तो CaOH2 बनता है, ये देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री स्पेशल में भी हमने रिपीट किया है, अभी भी किया है, लास्ट ईयर के वनडे बिफोर में भी है, मैं अगर पिछले साल के वनडे बिफोर को देखता हूं तो उसमें से भी कई क्वेश्चन इसमें टैली किए हुए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, इसमें HCL है, HCL का रोल, विलाई का रोल, है ना, इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरह से ये सारे जो एनल स्पिंचर और लाइपेज का दे रखा है, वन रोल आपका बताना है। फोटोट्रॉपिक जो है और जियोट्रॉपिक का, प्लांट्स का बताया कि जो फोटोट्रॉपिज्म है
वो लिप्स का होता है, आगे की तरफ जियोट्रोपिज्म जड़ों का होता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्मोन जो रेगुलेट कर रहा है ये भी मैंने कल आपको बताया था, स्पेशली देख लीजिएगा। और जिसने भी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो देखा होगा या ह्यूमन ब्रेन का देखा होगा, उसके तो 4-5 नंबर उसके बिल्कुल प्रिय है, क्योंकि 2-2 मिनट के वीडियो है। अब मैंने रखा है कि मैं 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आए, यहाँ 5-5 मिनट के अंदर भी अगर 4-4 नंबर, जैसे मैंने कहा ना 1 घंटे के वीडियो ने अगर 40-50-60 नंबर हूबहू आपको कवर किया, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया आपको कोई और मिलेगा। हाँ, ये बात के लिए मैं सॉरी बार बार कह रहा हूँ कि काफी देर हो गई थी, कल वीडियो मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, जैसे व्यूअर्स की डिमांड थी कि वन डे बिफोर को पहले कर दो, तो इस कारण से मैं बायो और केमिस्ट्री और इसमें लगा रह गया, तो एनर्जी थोड़ी उधर डाइवर्ट हो गई, लेकिन कोई नहीं, मिला जुला कर फिर भी बहुत अच्छा रहा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि 10 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस एक जैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है ना, तो इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और वो 10 और 15 यानी कि उसके पहले है, तो इमेज तो वही वर्चुअल है, डायरेक्ट बनना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी आया हुआ है, मैंने कल एक फिगर भी बनाया था कि 101% पेपर में मिलेगा, कहता है 6-6 रेजिस्टेंस के, तो 2 अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा, और एक को 6 पे रखूंगा तो 3 and 6 9 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का मैं फिगर बना सकता हूँ जिसमें 2 रेजिस्टेंस 6-6 का पैरेलल करके उसको आगे लाकर सीरीज में मैं 6 कर लूंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। अगला इसके चॉइस में भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कल बताया था कि I बराबर V बाई R होता है और P बराबर VI होता है, तो इस तरीके से V² बाई R हो गया, V इसका क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 में 2+1 को 3 करेंगे तो आंसर 12 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, हमारे फिजिक्स के पहले के भी वीडियो में है, इस बार भी है, और इसके बारे में बहुत ही बार मैग्नेट के ऊपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज इन कलर का केमिस्ट्री स्पेशल के मेरे वीडियो में था, इसलिए कल मैंने वन डे बिफोर में ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोला, लेकिन बोला था कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें बनती है। पीएच स्केल ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे कि 4.6 है तो साफ सी बात है एसिडिक है, खट्टा होगा स्वाद में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में डिफरेंस पूछा गया है, मतलब उस टर्म्स में अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है H+ आयन होते हैं, और बेस में क्या होता है OH- होता है, तो दोनों ही बताना था। ये भी एसिड रेन के बारे में पूछा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एसिड रेन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे भी वाटर है एनिमल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कारण भी बनेगा, फिर अंत में वो हम तक भी आएगा जो लोग जिस चीज का भी सेवन करेंगे। अब रेस्पिरेटरी का बहुत इजी क्वेश्चन आया, कल मैंने बताया था, पूरे एग्जांपल देके बताया कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब लंग्स हमारा, जब हम श्वास लेते हैं तो खुलता है, HB हमारे पास होता है, HB क्या करता है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, वो O2 ले लेता है, तो ये क्वेश्चन आया है। इसी को कई चीजों में थ्रोट के अंदर रिंग्स की बात कही है इन्होंने, लंग्स का कंटेंट रहे, तो मैं पहले बता दूं, मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे टाइम और इन चीज़ों से और व्यूज से मतलब नहीं रहता, मैं तो अपने एक लाइब्रेरी के तौर पे अपने चैनल को देखता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, मैंने कल फिगर बता के किया था, सेम टू सेम आया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया आया हुआ है पेपर में, बिल्कुल मैं पेपर को अटैच भी कर दूंगा, आप उसको मिला सकते हैं, मेरे वीडियो से चेक कर सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हमारे आई लेंस का साइज छोटा हो जाएगा, है ना, फोकल लेंस जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये सब इसके कॉजेज बताने हैं, डायग्राम दिखाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया है, अरंट करंट जो है उसमें कैसे फ्लो करेगा, इनसाइड द क्या होगा उसको हम उससे जोड़ेंगे, तो एन फॉर मैंने नेगेटिव, और उसका बताया था नॉर्थ पोल से होता है, बिल्कुल सिंपल। और एक क्वेश्चन मैंने और फूड चेन का बताया था कि प्लांट्स डियर एंड लॉयन का दिया, सेम एग्जाम्पल दिया है कल मैंने, है ना। और आप देखिए कि अगर कोई भी बीच का सीरीज गायब हो जाए तो जो शेर है वो घास तो नहीं चरेगा, तो ये सारी चीजों को इसी को कहा ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन वही है। अब इसके बाद गैस के बारे में है कि एक गैस है वो थ्री ओजोन की बात हो रही है, पॉइजनस गैस होते हैं, बिल्कुल वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लंबा क्वेश्चन पढ़ के कई बच्चे डर जाते हैं, मैंने बोला भी था कि डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए बहुत इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद होमोलोगस सीरीज है कार्बन का, ये भी बताया था आपको कि CH2 का डिफरेंस होता है, पहला मेंबर याद रखिए सारा का सारा हो जाएगा। इसके बाद मोर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, है ना। इसके बाद होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है, इसके बाद राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ऑफ कीटोन की बात हो रही है, एल्डिहाइड CHO होता है जैसे कि प्रोपानल हो गया, है ना, और वैसे ही हमारा वो दूसरा कीटोन का है जैसे प्रोपेनॉन हो गया, तो दोनों के बारे में है। इसके बाद एथेनॉल का क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने अंत में पेज निकाला और बताया, हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही था और वो भी मैंने कल पेपर में पहले ही वन डे बिफोर में बता दिया है, जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा वो बड़े खुश होकर आए होंगे,
क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके बाद कंसंट्रेटेड है सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे डालते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स को देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि एक्स को हीट किया है तो एथेनॉल है, उसको हीट करेंगे एथीन बनेगा, है ना, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका, शुरू होगा। इसके बाद ह्यूमन फीमेल का प्रेगनेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे अवॉइड करेंगे, वही सर्जिकल मेथड, बेरियर मेथड, है ना, इसमें जो ट्यूबोकोटोमी, वास्कोटोमी, कॉपर, ये सारी चीजें, और कॉन्डम, ये सब सारी चीजें इसमें बतानी है। व्हाट विल हैपन इन द फीमेल, ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या, ये भी कल मैंने क्वेश्चन बताया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ब्रेक थ्रू हो जाता है म्यूकस बन के। आप अभी तक 35-36 में तो ऐसे 40 और 50 मार्क्स कह रहा हूँ, ऑलरेडी देखा जाए तो 100% पेपर कल मेरे सिंगल वीडियो का है, और मैं जबकि साइंस का टीचर नहीं हूँ, है ना। कई बार ये चीजें मेरे व्यूवर्स को लग जाता है कि मैं अभी जब मैथमेटिक्स का आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इंग्लिश और साइंस का दिया है, है ना, दोनों ही वीडियो, इसके लिए सब आप सबका भरोसा जरूर है, आपके भरोसे के कारण ही इतने अच्छे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं। मैथमेटिक्स की मेरी कोशिश, अभी कुछ लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग करूंगा अभी मैं, लेकिन आप एसएसटी के भी वीडियोज मैं डालने वाला हूँ, पहले के मेरे वीडियोज जब तक आप देखते रहे एसएसटी का, वन डे बिफोर जो मेरे पहले के हैं उसमें 101% पेपर उसमें से आने वाले हैं, है ना, यूरोप के नेशनलिज्म है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे उसमें से आपको मिलेंगे। अभी देखिए, इसके बाद डायग्राम है, स्पोर फॉर्मेशन का है, राइजोपस का है, रिप्रोडक्टिव नॉन प्रिप्रोडक्टिव, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा ये नहीं है, हाइड्रा का है, है ना, हाइड्रा में बडिंग हो जाता है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने कहा था, देख लीजिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर है क्वेश्चन है, 220 वोल्ट का। ये 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर का है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का है ना। तो रेजिस्टिविटी अगर मैं दूसरे सेट की बात करूं तो दूसरे सेट में भी कोई खास, 1 मार्क्स के तो वही थे, उसके अलावा इनमें एक क्वेश्चन 1 ohm 2 ohm 6 वोल्ट वाला है, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन का आया हुआ है इसमें, मेडुला सेरिब्रम, जिसने भी मेरे ह्यूमन ब्रेन का, मैंने उसको अटैच किया था, देखा होगा उसका पेपर बिल्कुल सही हुआ होगा। नेफ्रॉन का आया हुआ है इसमें, है ना। इसके बाद पीएच वैल्यू वही सेम क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन इसमें भी आया हुआ है, प्लांट्स टीयर का सेम आया हुआ है। इसमें आपका एक चीज और है, प्रिज्म का आया हुआ है, प्रिज्म भी बहुत ही ईजी है, सिंपल है। इसके बाद एक चीज और है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड का आया हुआ है, है ना, स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल। अगर किसी ने वीडियो देखा होगा, सपोनिफिकेशन इसमें आया हुआ है, जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी एक नहीं दो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, है ना, और क्लींजिंग एजेंट एक्शन और सोप, ये भी आया हुआ है, यानी कि साबुन का काम कैसे करता है। इसके बाद रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने कल बताया था, रो एल बाई ए होता है, एरिया गर्म बढ़ा दे तो। उसके बाद जो है बाकी सर्जिकल मेथड सेम है, बाकी थर्ड सेट थ्री की बात करूं तो सेट थ्री में भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंस है, मिला जुला कर बहुत अच्छा पेपर है। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, मैंने सोचा इसका रिव्यू डाल देता हूं, क्योंकि कई लोगों को आंसर का थोड़ा रहता है कि आंसर क्या है, अपना टैली कर ले, तो इसलिए मैंने आंसर्स भी बताए हैं। और उम्मीद है आप चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे, और सॉरी मैं फिर से बोलता हूं, कल काफी देर मैंने वन डे बिफोर की जगह वो आवर्स बिफोर हो गया था, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी देखा उनका अच्छा रहा होगा और आगे भी अच्छा होगा। आगे मेरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली मैं वीडियो अपलोड करूं, और आप सबके भरोसे के लिए थैंक यू, और वंस अगेन All the best to all of you in advance. Thank you all of you.